दोस्तों, अगर YouTube पर काम करते हुए 1 महीना, 2 महीना, 1 साल या 2 साल हो चुका है, फिर हमें YouTube पर क्या करना चाहिए? यानी क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस समय YouTube जो है चैनल छोड़ चुके हैं और नया चैनल बनाए हैं, और फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में गाइज, मैं ऐसा कुछ तरीका बताऊंगा जो कि वो तरीका चैनल पर यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब चैनल के बारे में पूरा बढ़िया से जानते नहीं है और सिर्फ वीडियो डालते रहते हैं, देखते हैं कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्योंकि भाई, आप मेहनत भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन कुछ भी रिस्पांस नहीं मिलता है। लाइक जो है, 3-4 घंटा यूट्यूब पर फोकस करते हो, समय व्यतीत होता है, ये सब टाइम आपका लॉस भी होता है। तो सोचते भाई, यूट्यूब पर ग्रो मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसमें जो यूट्यूब के बारे में आपको समझना चाहिए, यूट्यूब के बारे में समझने के लिए भाई आपको टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, तो ही आप जो है YouTube के बारे में जान सकते हो। और रही बात YouTube जो कीवर्ड होते हैं और थंबनेल होते हैं, ये सब चीजें आप इम्प्रूव नहीं करते हो, और क्या करते हैं, YouTube पर ऐसे हवा में लेकर के चलते हो और फटाफट वीडियो बना करके अपलोड कर देते हो, और देखते हो कि व्यूज आता है कि नहीं, मतलब इस तरीके से चेक करते रहते हो कि व्यूज आ रहा कि नहीं। फिर भी दोस्तों, मेरा कहना मानिए कि अगर आप YouTube पर काम कर रहे हो, चाहे 1 महीना हो गया, चाहे 1 साल हो गया, चाहे 2 साल हो गया, तो आज के युग में आपको जो वीडियो बनाना पड़ेगा वो अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि DSLR आपको लेना पड़ेगा, कि 50,000 का आपको कैमरा लेना पड़ेगा, ये सब चीजें नहीं। यानी आप फोन से ही वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर भी जो वीडियो आप बना रहे हैं ना, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए और डेली इम्प्रूव करिए कि ऐसा क्या बताएं लोगों को ज्यादा समझ में आए। और जब ये चीजें आपके अंदर फीलिंग हो जाएगा या आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए, लोगों को क्या समझाना चाहिए, जब ये अंदर आ जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, YouTube वीडियो जो है यानी आपका रीच बढ़ेगा। क्योंकि YouTube क्या करता है, जब किसी का वीडियो एक बार वायरल हो जाता है तो लोगों के पास रीच पहुंचाता है। लेकिन जब मान लीजिए, अगर एक वीडियो कोई देखा और दूसरे वीडियो अगर अच्छा नहीं है, यानी दूसरे वीडियो में दम नहीं है, तो उसको वहीं देखना बंद कर देंगे, तीसरा वीडियो नहीं देखेंगे। इसलिए जब भी वीडियो बनाइए तो आपको क्या करना है, अच्छा कंटेंट बनाइए। जैसे 2-3 दिन में एक वीडियो बना सकते हैं, 4 दिन में एक वीडियो बना सकते हैं, ये सब जो है इस तरीके से काम कर सकते हैं। और हार तो बिल्कुल नहीं मानना है, और लोग ऐसे भैया हैं कि जो है हार मान चुके हैं, 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कोई मतलब व्यूज सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में गाइस, बस एक ही उपाय है, आप YouTube चैनल पर अच्छे से काम करते रहिए, और जब YouTube पर अच्छे से काम करेंगे तो किसी की जरूरत नहीं है, ना तो आपको किसी यूट्यूबर से मिलने की जरूरत है, आप खुद वायरल हो जाओगे। बस एक ही चीज फोकस करना कि आप YouTube पर अच्छे से काम करिए, और किसी से मतलब कुछ भी मत कहिए, आप अपने काम पर फोकस करते रहिए, फिर देखिए आज नहीं तो कल आपको जो है फेमस होना ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कमेंट किए थे, इसलिए वीडियो बनाया था। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, और कमेंट करिए भाई आपको किस रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, मैं उसी टाइप का वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।